बंसीलाल वाली बात है, सोमन तेल हो नहीं राधा नाचे नहीं, इसकी कमी पूरी होती नहीं और ये ऐसे ही हालात रहेगा। इसका टेंडर नहीं है तो आप मना कैसे कर रहे हो कि आप यहाँ हवन नहीं करोगे? इसमें कंस्ट्रक्शन का सामान है तो कुछ भी है वो गुम हो जाए, ताला कैसे खोल देंगे? ताला खोल नहीं है तो आप कह रहे हो हमारे पास नहीं है, आप बता रहे हो पास है। ये मैं सब डिपो का ताला दिखा रहा हूँ। 1 फरवरी 2021 को ये सब डिपो बन के ठेकेदार ने, यहाँ एक इंचार्ज सुरेश था, अभी रिटायरमेंट हो गया सीकड़ा का, उससे इस ताले की चाबी दी थी। लगभग साल बीतने को आई और ये पूरी 2 साल लगभग इसका ताला ने जो है इसका जंग लग गया। और मैं अभी सब डिपो के हालात दिखाऊं तो अंदर से घास खड़ी हुई है और ये पानी से इसका ये पानी का टैंक भी बैठ गया। ये टैंक मैं दिखा रहा हूँ टैंक, और इसके अंदर जाकर देखो दीमक लग गई, दीवारों में त्रेड़ आ गई और ये हालात 7 करोड़ रुपया सरकार को जो से ने लगा के और भूल गई। इन पे 7 करोड़ रुपये पे अगर ऐसा ही रहा तो 6 महीने के अंदर अंदर इसका जो सने पूरा ये कंडम हो जाएगा। वो बंसीलाल वाली बात है, सोमन तेल हो नहीं राधा नाचे नहीं, इसकी कमी पूरी होती नहीं और ये ऐसे ही हालात रहेगा इसका, ये पड़ जाएगा। आज हवन के लिए आप लोग यहाँ आए थे तो हवन फिर आपने बस स्टैंड पे किया, यहाँ करना चाहिए था तो क्यों वहाँ? ऐसा है, यहाँ एक इंचार्ज लगा हुआ है हवा सिंह, मैंने उससे कहा भी हम 5 मिनट यहाँ एक हवन करेंगे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम चाहे भी ये सब डिपो चालू हो या मत हो, हम इस आपको इस बस स्टैंड की बाउंड्री में जो है ना हवन नहीं करने देंगे। इसलिए हमने महेंद्र बस स्टैंड के गेट के सामने जो है ना अपना संपूर्ण हवन किया और सरकार को चेतावनी दे दी, अगर 1 महीना में ये सब डिपो चालू नहीं हुआ तो दोनों गेटों को बंद करके बसों को रोकने का काम करेंगे। इसको कुछ कमियां हैं, उस वजह से चालू नहीं हो पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आवासिंह। आवासिंह इंचार्ज है आप यहाँ के? तो अभी जैसे बताया जा रहा था यहाँ हवन वगैरह नहीं होने दिया गया, आपने मना कर दिया? नहीं सर, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी कि यहाँ नहीं करना। प्रशासन ने हवन के लिए मना कर दिया था? कोई ऊपर से आदेश थे आपके पास? हाँ जी, बात किसके आदेश आए? साहब ने मना किया था कि यहाँ ग्राउंड में नहीं। जीएम साहब? अच्छा, मतलब उनको दिक्कत थी यहाँ हवन होने में? वो तो पता नहीं सर। तो जीएम साहब ताला क्यों नहीं खुलवा रहे अभी तक? चालू नहीं है जब काम पूरा नहीं हो जाए का, तो 2 साल हो गए, कुछ कमियां तो ही तो है। सरकार जाने हम तो क्या करें, दिमाग लगने लग गई है ऐसे बता रहे हैं तो अभी ठेकेदार के अंडर है ये, रोड के अंडर थोड़ी है अभी तो। अगर ये पूरा डैमेज हो जाएगा तो ठेकेदार दोबारा बनाएगा? वो तो हम इतने बता सकते हैं सुधारे। फिर आपके अंडर नहीं है फिर आप मना क्यों कर रहे हो? जब आपके अंडर नहीं है तो आप मना कैसे कर रहे हो कि आप यहाँ हवन नहीं करोगे? इसमें कंस्ट्रक्शन का सामान है तो कुछ भी है वो गुम हो जाए, ताला कैसे खोल देंगे? ताला खोल नहीं है तो आप कह रहे हो हमारे पास चाबी है, आप बता ठेकेदार के पास है चाबी? भी ठेकेदार के पास है? नहीं ये तो भारी करने वाले थे ना, बंद कर रहे हैं। नहीं फिर बना करते हैं तो आपको बता दिया अभी। ये सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक जगह पे ऐसे नहीं। फिर एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपके अंडर है, एक तरफ आप कह रहे हैं आपके अंडर नहीं है। एक चीज बताओ, ठेकेदार के पास है चाबी हमारे पास? आपने मना क्यों किया? ऊपर से आदेश किसका आया? किसका बता दिया जी? हम सारे बताया था लिखित में, कोई आदेश दिया था उन्होंने? ठीक